योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए तीखा प्रहार किया है। कहा, समाजवादियों का आतंकवादियों से पुराना संबंध रहा है। राम गोविंद चौधरी को पहले NRC और CAA का अध्ययन कर लेना चाहिए। सपा बसपा और अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास दूसरा और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह लोग समाज में भर्म द्वेष और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। NPA, NRP ये होना ही चाहिए। दोनों के बारे में उन्होंने कहा, ये देश हित में है, ये राष्ट्र हित में है, और इसलिए पहले राम गोविंद चौधरी को CA का अध्ययन करना चाहिए, NRP का अध्ययन करना चाहिए। और आज इस तरफ भी चाहे राम गोविंद चौधरी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय योगी जी ने जनता के, जो पहले ही मैंने कहा कि गांव गरीब किसान मजदूर, आज सबके हित की बात, आज समाज का कोई एक तबका नहीं है जिसमें इस बार उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ सबका सम्मान, सारी चीजें उसमें आ गई, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें सारी चीजें आ गई। और इसलिए आज सपा बसपा कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो चूंकि भावना से जुड़ा हुआ देश है, और इसलिए राजनीति की रोटी सेकने के लिए समाजवादी पार्टी चाहे अन्य राजनीतिक दल के लोग इस तरीके का समाज के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इस तरह में समाजवादी पार्टी के लोगों का पुराना वास्ता रहा है आतंकवादियों से, अपराधियों से, असामाजिक और अराजक तत्वों से,